है गाइस, वेलकम टू न्यू कॉम्पिटिटिव क्लासेस। गाइस, कल मैं आपके लिए एक सेशन लेके आया था जिसमें मैंने हीट एंड वर्क के बीच में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस समझाए थे। तो मैंने बताया भी था उसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। तो आज मैं वो सेशन लेके आया हूँ जहाँ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्लियर करना है। तो ये पूरी वीडियो देखें एंड तक, आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें पहले इसकी डेफिनेशन को समझना होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? देखो, अगर किसी एक ऐसे सिस्टम को जो कि कैपेबल हो वर्क करने का, अगर मैं उसको हीट सप्लाई करूं, देखिए, इफ सम हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, ऐसा सिस्टम नहीं जो कैपेबल ही ना हो वर्क करने का। जैसे मैं अगर वॉल को, दीवार को हीट सप्लाई करूं, तो वो एक सिस्टम तो है बट वो कैपेबल तो नहीं है ना वर्क करने का। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो सिस्टम जो कैपेबल हो, जो काम कर सकता है, तो होगा क्या, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जितनी भी हीट आपने उसे दी होगी, जो उसने एब्जॉर्ब की होगी, वो सारे की सारी हीट का वर्क में कन्वर्जन नहीं कर सकता। देखो बताया है यहाँ पे, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। अब इसको समझते हैं वो किसके बराबर होगा। पहले वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, और बाद में जो हीट, जो एनर्जी उसके पास बची होगी उसका वो वर्क करेगा। ये वैसा ही हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने एक पानी का गिलास पिया, अब उससे मुझे इतनी एनर्जी तो नहीं मिलने वाली, मैं उसमें ग्लूकोज डाल के पीता हूँ, ठीक, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। मान लेते उसमें 100 कैलोरीज की एनर्जी है, तो भाई क्या मैं उतना ही वर्क जो है वो कर सकता हूँ? ऐसा तो नहीं है ना, उतना वो कैसे कर सकता हूँ? पहले कुछ एनर्जी जो है वो मेरे को चार्ज करने में लगेगी और बाकी जो रह जाएगी उसका मैं वर्क कर सकता हूँ। इट मीन्स पहले मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना होगा। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हो तो पहले वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा और बाकी का फिर वो क्या करेगा, वर्क करेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए मैंने 100 जूल की एनर्जी दी किसी सिस्टम को, और 20 जूल उसने क्या कर दिया, अपनी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लगा दिया, तो जो रिमेनिंग 80 जूल्स होगा उसको वो कन्वर्ट कर सकता है वर्क में, मतलब उसका वो वर्क कर सकता है। ये चीज़ क्लियर होगी? ऐसे कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास जिसको जितनी एनर्जी दी जाए, हीट एनर्जी जितनी भी दी जाए या कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी भी, उतना ही वो वर्क करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ने जाओगे उसमें ये चीज़ पूरी क्लियर होने वाली है। तो डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो गई है तो इसकी हल्की सी जो छोटी सी डेरिवेशन है उस पर आते हैं। डेरिवेशन समझने के लिए हमने क्या किया, एक फिगर ले लिए, एक सिस्टम ले लिया, इस सिस्टम में मैंने गैस रखी है, ठीक। अब सिस्टम में एक पिस्टन भी है, इस पिस्टन का एरिया कितना है ए, ये चीज क्लियर हो रही है आपको? यार पिस्टन की वजह से कुछ प्रेशर लग रहा होगा नीचे की ओर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पिस्टन का प्रेशर, उसका नाम मैंने क्या रखा है, पी। अब मैंने क्या बोला था, इफ सम हीट इज सप्लाइड, कुछ हीट तो सप्लाई करनी है, तो मैं नीचे से कितनी हीट दे रहा हूं, डेल क्यू। और ये सब चीज़ें जो मैंने लिखी हैं इसको डेरिवेशन के समय पे हमें एक्सप्लेन करना होता है, पहले डिफाइन करना होता है पहले। तो देखो डेल क्यू क्या हो गया, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये वो हीट है जो मैं सिस्टम को दे रहा हूँ बाय द सराउंडिंग्स, क्योंकि मैं बाहर से दे रहा हूँ ना तो सराउंडिंग से दे रहा हूँ। डेल डब्ल्यू क्या हो गया, अब ऐसा हो सकता ना यार पहले पिस्टन यहाँ पर था तो गैस में जब इंटरनल एनर्जी आई उसके बाद उसने वर्क किया, पिस्टन को ऊपर मूव कर दिया, तो फिर डेल डब्ल्यू क्या हो गया, जो वर्क किया है सिस्टम ने, सिस्टम ने किसके ऊपर, सराउंडिंग्स के ऊपर, तो सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग्स, बाय द सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग्स। डेल यू क्या हो गया, मैंने बताया ना इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो जब भी डेल आता है ना, डेल इट स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज, तो डेल यू क्या हो गया, जो चेंज आया होगा इंटरनल एनर्जी में सिस्टम की। ये तीन चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। तो दोबारा से इस फिगर को मैं समझा रहा हूँ, डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने दी, पिस्टन पहले यहाँ था, गैस के मॉलिक्यूल्स की, जो कोई भी मॉलिक्यूल्स यहाँ थे उनकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, फिर पिस्टन को डी एक्स डिस्टेंस से ऊपर की ओर डिस्प्लेस किया, पिस्टन का एरिया ए है,
और पिस्टन का प्रेशर पी है। ऑब्वियसली बात है, जब ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा तो जब नीचे से आप ये जो हमारा गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पिस्टन, तो वर्क करना पड़ेगा, प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन तो यही बोलती है ना, जो मैंने एग्जांपल दी कि अगर 100 जूल्स है तो 100 जूल्स ये आ गए जो अपने अमाउंट ऑफ हीट दी, 20 जूल्स मैंने क्या बताया, चेंज आया इंटरनल एनर्जी में, इंक्रीज आया, और बाकी रिमेनिंग जो है वो क्या करेगा, वर्क। तो डेल क्यू किसके बराबर, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब इसकी एक फॉर्म और होती है जो आगे न्यूमेरिकल्स में हमें हेल्प करेगी, वो क्या है देखिएगा। देखो मैं डेल डब्ल्यू को ले रहा हूं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां बात आती है सर आपने डेल डब्ल्यू क्यों लिया, बिकॉज स्मॉल वर्क हुआ ना, थोड़ा सा ही वर्क हुआ, थोड़ी सी ही डिस्प्लेसमेंट आई तो वर्क थोड़ा हुआ, दैट्स व्हाई डेल डब्ल्यू। तो भाई डेल डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा फिर, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी, डी एक्स आई थी, इसको डेल एक्स भी लिख सकते हो, डी एक्स भी लिख सकते हो। अब हमें पता है यार फोर्स, फोर्स निकालनी है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब ये फॉर्मूला हमने यूज क्यों किया, क्रैमिंग नहीं करनी, फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे पता है प्रेशर और एरिया का यहां पर यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल डब्ल्यू की जगह, डेल डब्ल्यू तो ठीक ही है, तो फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। अब यहां पर एक नया पॉइंट आया हमारे पास कि एरिया को अगर मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई करूं, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है, एरिया, एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, वॉल्यूम। वैसे ही यार ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ इतनी डिस्प्लेसमेंट आई या इतनी हाइट आई, तो डी एक्स को मैं हाइट या डिस्प्लेसमेंट मानते हुए इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू डेल वी। वाई डेल वी, बिकॉज एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट, हाइट मैंने वॉल्यूम लिया, तो ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम। देखो ना वॉल्यूम में चेंज आया, पहले इतना था अब इतना हो गया, कितना चेंज आया, इतना चेंज आया वॉल्यूम में, हो गया ना इतना चेंज आया वॉल्यूम में, ये पूरा इसे इस पूरे की बात कर रहा हूं मैं, ये चीज क्लियर होगी। इट मींस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी एक फॉर्म और आ जाएगी, वो क्या, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू, और डेल डब्ल्यू की जगह मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, पी डेल वी। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक सेकेंड फॉर्म। आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एक इसका एक्सप्रेशन पढ़ा, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ही लिखना है आपको, इसके इससे आगे पीछे कहीं पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है, मैंने हर चीज़ बोर्ड पे आपके लिए लिखी हुई है, क्लियर। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। देखो यार मैंने कल भी बताया था और उससे पहले वेरी फर्स्ट जो मेरा सेशन था उसमें मैंने बताया, कोई भी चीज़ जब इंट्रोड्यूस की जाती है कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं उसमें। अब वो खामियां दूर करने के लिए फिर न्यू लॉज आते हैं ना यार, ये मैंने पहले भी बताया था। तो वैसे ही अब इसकी लिमिटेशंस क्या है हम वो समझते हैं, और इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए फिर क्या आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई इसकी लिमिटेशंस क्या है, देखो यार ये हमें ये नहीं बताता, डजंट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब ये नहीं बताता फर्स्ट लॉ कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पर जाएगी या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाएगी, इसके बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं हमें, कहीं बोला गया, वो सेकंड लॉ में क्लैरिटी आने वाली है, क्लियर। दूसरा ये हमें ये भी नहीं बताता कि किन कंडीशंस में हमारा जो ये कन्वर्जन है ना, हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा है, मतलब कुछ कंडीशंस भी तो होंगी यहां पर, चाहे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो चाहे कुछ और कंडीशंस, तो कंडीशंस के बारे में इसने हमें बताया ही नहीं है। हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन है ना, वहाँ पर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ बताया गया है मगर यहाँ नहीं बताया गया, तो ये भी तो बताना चाहिए था, ये भी एक कमी है, क्लियर। तीसरा ये हमें ये भी नहीं बताता कि किस एक्सटेंट तक हमारा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होता है, अप टू व्हाट एक्सटेंट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये देखिए doesn't tell the extent to which
हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, कि भाई अगर मैं हीट दे रहा हूँ 100% तो उसका कम से कम 70% वर्क हो जाए, 30% चेंज आए इंटरनल एनर्जी में, वो नहीं बताता। जो मैंने एग्जांपल नहीं दी थी 100, 80, 20, वो तो मैंने एग्जांपल कोट की, एग्जांपल में तो कुछ भी बोल सकता हूँ, इसने नहीं ना बताया हमें। मान लीजिए मैं एक सिस्टम को 50 जूल की हीट एनर्जी देता हूँ, तो मुझे नहीं पता चलेगा पहले से इस लॉ के अकॉर्डिंग कि 50 जूल से मुझे कितना वर्क मिलने जा रहा है, ये नहीं मुझे पता। तो ये तीन लिमिटेशंस जो हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये आई, और इसके बाद फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, उसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स आई, उसने ये लिमिटेशंस को बिल्कुल दूर कर दिया। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक छोटा सा क्विक रिविजन दे देते हैं ताकि सारा याद आ जाए हमें। क्या पढ़ा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि अगर मैं किसी सिस्टम को इम्पॉर्टेंट है जो कि कैपेबल हो काम करने का, अगर मैं उसे हीट देता हूँ तो कुछ हिस्सा यूज़ हो जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, और बाकी हिस्सा हीट का वर्क में कन्वर्ट होगा। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको। दूसरी बात, उसका हमने फिर एक्सप्रेशन ड्राइव किया एंड बाद में लिमिटेशंस बताई। ट्रांसफ़र हीट का क्या डायरेक्शन है नहीं बताता, किस एक्सटेंट तक हीट वर्क में कन्वर्ट होती है नहीं बताता, और किन कंडीशंस में हीट और वर्क में कन्वर्ट होती है नहीं बताता। कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एक सेशन था आपके लिए, आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट सेशन में मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेके आऊँगा, और कुछ एप्लीकेशंस लाएंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्लियर है? एक लास्ट बार मैं आपको दोबारा से बोलूँगा, हमारे चैनल के लोगोज़ हैं उन्हें सब्सक्राइब करिए, और मैं ये जो फिजिक्स के रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ बनाई है इनकी प्लेलिस्ट डालूंगा मैं ऊपर, इन्हें ज़रूर देखिएगा। Thanks a lot.